नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए। एस्टेट में एक क्वेश्चन 100% आता है, कभी कभार दो क्वेश्चन तक भी आते हैं। ठीक है, ग्रामर का जो पार्ट है उसमें सेंटेंस पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, करीब 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा चाहिए तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले 10 दिन में मैं करीब करीब आपके सारे टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ। जितने भी लगभग मैं 10 टॉपिक मेन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और ख़ास करके जैसे आपका एक सेंटेंस पैटर्न हो गया, आपका नॉन फाइनेट वर्ब हो गया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टेंस की वीडियो भी मैंने पहले भी डाली है, आगे भी आपको मिलेंगी। लगभग मैं हर पार्ट जो ग्रामर का आता है, टीजीटी पीजीटी, बल्कि ग्रामर का तो कहूँगा पीआरटी का स्टूडेंट भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, और बाकी वीडियो का भी वेट करें। इंग्लिश विद प्रवीण टाक चैनल पे आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। लगभग मैं सारी वीडियो आपको देने वाला हूँ उस टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस पैटर्न, आई हैव फिनिश्ड राइटिंग अ बुक। इसमें देखिएगा, जैसे आई हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहली बात सब्जेक्ट ये है, उसके बाद हैव फिनिश्ड आपकी वर्ब हो गई, तो यहाँ से पता लग गया कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब इसके बाद है राइटिंग अ बुक। राइटिंग अ बुक में राइटिंग जो है ये जिरंड है, इसको आप वर्ब ना पढ़ें दोबारा से, ये नॉन फाइनेट वर्ब है, जिरंड है ये, तो नाउन की तरह काम करता है। तो ये भी पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या फिनिश किया, राइटिंग ए बुक। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये आंसर हो गया हमारा सी। सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए ज़्यादा नहीं, नॉन फाइनेट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। राइटिंग यहाँ पर जिरंड है, तो जिरंड एक नाउन की तरह काम करता है। यही सेंटेंस अगर ये होता आई एम राइटिंग अ बुक, तो ये राइटिंग श्योरली मेन वर्ब होती वहाँ पर। ठीक है, फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। इसको डिटेल से समझने के लिए आपको नॉन फाइनेट का वीडियो देखना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ दें। सेलेक्ट द ओड सेंटेंस पैटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग, जो डिफरेंट पैटर्न है वो बताना है। राम टेक्स टी, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, टेक्स आपकी वर्ब है और टी आपका ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। जब भी आपको व्हाट या होम का आंसर मिल जाए, वर्ब को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आए कि व्हाट या होम, व्हाट मीन्स क्या, होम मीन्स किसको, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बाद इनका आंसर है, तो वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम टेक्स, राम लेता है, क्या लेता है, राम टेक्स टी, टी व्हाट का आंसर है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन। ठीक है, जैसे ही गेव मी सम रुपीज़, ठीक है, तो ही गेव मी जो है वो होम है का आंसर है, किसे दिए, मुझे दिए, होम का आंसर है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही स्टॉल माई पर्स, तो सी यहाँ सब्जेक्ट है, स्टॉल यहाँ वर्ब हो गई और माई पर्स हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही इज अ साइंटिस्ट, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर आपकी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ए साइंटिस्ट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। दे फिनिश्ड द होमवर्क, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो तीन पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, पहले में, सेकंड में, फोर्थ में। तो आंसर जो है वो हो जाएगा, ओड ढूंढना है हमें, तो वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ओड सेंटेंस पैटर्न यहाँ जो डिफरेंट है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग, रघु वाज इल लास्ट मंथ। देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, तो रघु यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है,
ये हो गई वर्ब और इल हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसके बारे में बता रहा है ये? देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये जैसे बी की फॉर्म आ गई, ये स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे ये इल है, इल है कौन वास्तव में? वो रघु है, तो ये रघु के बारे में बता रहा, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको ध्यान रखें। अब ये है सब्जेक्ट वर्ब और इल हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी आंसर हो जाएगा डी। लास्ट मंथ मैंने जो है वो एडजंक्ट है, जो अलग पार्ट आ जाए एडवर्ब वगैरह या कुछ भी, वो एडजंक्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, एडजंक्ट होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है, रघु वाज इल सेंटेंस कंप्लीट है। एडजंक्ट पार्ट वो होता है जिसको हम हटा भी दें तो भी सेंटेंस मीनिंग है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जोड़ा जाता है, जिसमें इसमें टाइम बता दिया कि रघु बीमार कब था, वो लास्ट मंथ था। ठीक है, तो ये कम इसको बोलते हैं एडजंक्ट पार्ट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, मैं वो देना चाहूँगा आपको। जैसे इंग्लिश प्रैक्टिस बैच अभी शुरू करने का प्लान है, खैर एचटेट के लिए तो शायद इसमें इतना टाइम नहीं रहेगा, बट अपकमिंग आपका कोई भी एग्ज़ाम है एचटेट वालों के लिए, तो यही कहूँगा कि स्क्रीनिंग जो होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा आपका ये इंग्लिश प्रैक्टिस बैच। और ये एचएससी का कोई भी स्टूडेंट एचएससी की तैयारी कर रहा है या कोई भी इंग्लिश की स्टडी कर रहा है, तो ठीक है, इंग्लिश को सीखना चाहता है, अगर उसके अंदर जिज्ञासा है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। इंग्लिश में मैं इसमें टेस्ट सीरीज करवाऊंगा करीब करीब 100+। ठीक है, जिसमें मैं 3000 से 4000 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूँगा जो पेपर के पैटर्न के लेवल के हैं, उस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सब आपको। ठीक है, चाहे वो एचटेट का हो, चाहे वो आपका एचएससी का हो, और चाहे आपका स्क्रीनिंग में आए हुए एचएससी के क्वेश्चन हो, सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। इस जो करीब करीब 1000 से ज़्यादा ही होंगे अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसमें। आपको पता ही है, वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, एचएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो रेनन मार्टिन की बुक से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, या क्वेश्चन रायमंड मर्फी की बुक से आते हैं, या कुछ वेबसाइट्स हैं इंग्लिश के, कुछ ब्लॉग हैं वेबसाइट्स हैं उन पे से क्वेश्चन आता है। जैसे एक वेबसाइट है इंग्लिश 626 ऐसे कुछ नाम से है, एक टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच वाले से तो नहीं आता है बट मतलब उसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, बट एक टू लर्न इंग्लिश नाम से उस पे से आता है क्वेश्चन। तो बहुत सारे जो डाटा रहता है, आप यहाँ लोकल बुक पढ़ते रहते हैं लोकल किसी राइटर की, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्वेश्चन आते हैं वो एक अच्छे रेपुटेटेड जो इंग्लिश के राइटर हुए हैं उनकी, रायमंड मर्फी बहुत अच्छा है, जैसे माइकल स्वान है, रेनन मार्टिन है, इनकी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही करवाने वाला हूँ आपको, पीछे के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं बुक से आए हुए हैं। ठीक है, फीस जो है वो आपकी 500 रहेगी। ठीक है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉर्मल फीस रखी है, और ड्यूरेशन मैंने काफ़ी टाइम रखा आपके लिए। मैं सोच रहा था 3 रखे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 4 कर लेते हैं, ताकि कुछ कोई भी हम ओवरऑल जो है लास्ट मंथ में कुछ ओवरऑल क्वेश्चन कर पाएँ, जिसमें हम अच्छे से रिवीजन को थोड़ा सा टाइम और दे पाएँ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार हम जैसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर हम उसको ओवरऑल पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ में हम ओवरऑल क्वेश्चन ही करेंगे मिक्स क्वेश्चन के, लास्ट मंथ में ज़्यादातर मिक्स क्वेश्चन पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। ठीक है, और आपको वहाँ से भी मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न, ये बताना, आई हैड माई डिनर एन आवर एगो एट द शेराटन। तो आई हैड माई डिनर, अब देखो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट हो गया और हैड हो गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है,
यानी सब्जेक्ट और वर्ब। इसके बाद आई हैड माई डिनर, माई डिनर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर माई डिनर जो है वो आपको पता है नाउन है, ये आंसर है हेड का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी होगी वो एडजंक्ट पार्ट होगा, ये एडजंक्ट पार्ट है। इसमें तो बता दिया टाइम उसका, ठीक है, और इसके अलावा इसमें इसका बता दिया इन्होंने प्लेस, ठीक है। तो ये जो है ये एडजंक्ट हैं, ये तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट और एडजंक्ट, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल समझ में आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी आपको नहीं पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसके लिए मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी आपको, लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। या चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको किसी दिन उसकी लाइव क्लास ही दे दूंगा, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लें। लेकिन TGT PGT के जो लेवल की तरह मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना तो पता ही है कि क्या यूज़ है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की उनको ज़रूरत है, और कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें करवा ही रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमें वो बताना है जो ऑड सेंटेंस है, विच इज़ नॉट द सेम सेंटेंस पैटर्न। ही वॉर हिज यूनिफॉर्म, देखिए ही वॉर हिज यूनिफॉर्म, तो इसमें ही सब्जेक्ट है और वॉर हो गया ऑब्जेक्ट, और हिज यूनिफॉर्म, सॉरी वॉर हो गई वर्ब, हिज यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो डिफरेंस सेंटेंस है वो फिर से सी है, ही वाज एक्साइटेड, तो ये एक्साइटेड कॉम्प्लीमेंट है ही का, तो ये हमारा पैटर्न बनता है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एडजेक्टिव है ये, ही वाज एक्साइटेड, एक्साइटेड एडजेक्टिव है, या पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, धैर्य से वीडियो देखिए पूरा अच्छे से, और जहाँ कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, या उस नंबर पे जो आपको नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सअप करके भी आप क्लियर कर सकते हो कोई भी डाउट आपकी रहती है इंग्लिश को लेके, ठीक है, या और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप वहाँ पे भेज सकते हो, बट सिर्फ ऐसा क्वेश्चन भेजें जो आपको लगता है कि सही हो, ये ना हो कि टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन ना भेजा जाए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको पैटर्न बताने, जो ओड है जो डिफरेंट है, ही एट द केक, अब ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया, ही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेम सी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो डिफरेंट है, दिस शू इज लार्ज, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है ये, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। पिक आउट द सेंटेंस विद, क्या है जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और ये आई ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डी ओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए से मतलब है एडजंक्ट भी हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या है यहाँ पर, गेव यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और हर हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी है इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको मैं इसे आई ओ ही लिख लेता हूँ, लेकिन ए ओ यहाँ पर एडजंक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें देखना है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। ये सेकंड हमारा गलत हो जाता है क्योंकि पहले एडजंक्ट है इसमें, पहले इसमें एडजंक्ट आ गया, ठीक है, जो टाइम बता रहा है, आई से सब्जेक्ट है, फिर हेड वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। लूसी प्रेजेंटेड द यंगेस्ट वन, इसमें भी आपके ऑब्जेक्ट एडजंक्ट नहीं है इसमें, बाकी सब है, ये देख लेते हैं, ये सही है। हेनरी में सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई, हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ए पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और यस्टरडे टाइम है ये अर्जेंट हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सी में क्या है? सी में है लूसी सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड वर्ब है, इसके बाद द यंगेस्ट वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है प्रेजेंटेड द यंगेस्ट वन। ठीक है, तो उसने प्रेजेंट क्या किया, वो व्हाट का आंसर है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो गलत हो जाता है। टू हर फ्रेंड, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर ऑब्जेक्ट है, बट मेन चीज़ यहाँ पर ये थी पहले कि आपको पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका हर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन, जिसमें हुम का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। तो देखिए क्वेश्चन को, इसमें आपसे पूछा सेंटेंस पैटर्न, तो सबसे पहले तो हमें पता ही है ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इज आपका क्या हो गई वर्ब, अब मैं कहूँ इज अकेला ना लेके हम इज एक्सपेक्टेड ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इज एक्सपेक्टेड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है टू अराइव, ये बताओ ही इज एक्सपेक्टेड, उसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, क्या किया जाता है, यानी एक्सपेक्टेड व्हाट, इसका आंसर क्या है ये। ठीक है, तो टू अराइव यान इन्फिनिटिव है। ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी टू इन्फिनिटिव और बे इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव है, और जो इन्फिनिटिव होती है नॉन फाइनिट वर्ब में, अब जीरेंड भी और इन्फिनिटिव, ये आपकी यहाँ ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो ये नाउन की तरह काम करते हैं, और नाउन की तरह काम करते हैं, तो यहाँ ये इसका ऑब्जेक्ट है वास्तव में। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया सब्जेक्ट ही। इसके बाद इज एक्सपेक्टेड वर्ब हो गई हमारी, इसके बाद टू अराइव हो गया ऑब्जेक्ट, और शॉर्टली टाइम बता दिया, ये हो गया एडजंक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, बाय चांस आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि टू अराइव वगैरह नहीं भी पता हो, तो देखो जो चीज़ें क्लियर हो ना हमेशा पहले उनको फोकस कर लिया करो। जैसे शॉर्टली है वो टाइम के लिए बताया है, ठीक है वो एडजंक्ट है, एक एडजंक्ट यहाँ पे, यहाँ दो एडजंक्ट दे रखे, ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ एडजंक्ट तो दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखी वर्ब, लेकिन टू अराइव कुछ नहीं दे रखा, ये भी गलत हो गया। ये सब्जेक्ट वर्ब दे रखा, ये भी गलत हो गया, आंसर क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, तो ये आंसर है फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। क्या है ये टीजीटी पीजीटी का लेवल है, तो अच्छा लेवल होता है, इसलिए मैं आपको चीज़ें, अब हो सकता अगर ये पीआरटी को करवाता तो शायद मैं इसको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ती मुझे। ठीक है, लेकिन कहते हैं जितनी चीज़ें आप गहराई से सीखेंगे, जितना बेसिक क्लियर आपका होगा ना, उतना ही आपको उस क्वेश्चन को करते टाइम भी आनंद आएगा और आपको आसान भी लगेगा। दिक्कत ये है कि आप चीज़ों को समझते कम है, रटते ज़्यादा हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो जिनको ये नहीं पता है कि जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फ़र्क क्या, क्योंकि उन्हें तो बस सामने से देखना है कि दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, वो फंक्शन को नहीं समझते कि वो काम क्या करते। क्या दो आदमी एक जैसे दिखने वाले गुण में हमेशा एक होंगे क्या, हम कर्म में हमेशा एक होंगे क्या, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिखने से नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो क्या है, आप सिर्फ देखेंगे सामने से तो फिर आपको गलत ही लगेगा हमेशा, तो देखने से नहीं, उसके गुण क्या हैं, वहाँ पर वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, वो फंक्शन सेंटेंस में क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से वो जिरेंड और पार्टिसिपल डिपेंड करता है, बहुत ईजी है। जिरेंड नाउन की तरह काम करता है और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, या वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, अब इसमें आई जो है ये आपका सब्जेक्ट है और स्मेल यहाँ पर आपकी वर्ब है। ठीक है, तो ये होगा स्मेल, लेकिन स्मेल जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, आई स्मेल समथिंग, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, बर्निंग भी आया हुआ है और समथिंग भी आया। अब ये देखो कि समथिंग जो है वो वर्ड का आंसर है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे स्टेटिव वर्ब की तरह यूज़ नहीं, एक यहाँ पे एक्शन
की तरह यानी यूज़ हुआ है। तो आई स्मेल समथिंग, अब ये बर्निंग किसके बारे में बता रहा है ये समझने की बात है। आई स्मेल समथिंग, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ठीक है आई स्मेल, तो व्हाट का आंसर है समथिंग। अब उसने ठीक है उसको महसूस हुआ कुछ ऐसा, बर्निंग कुछ जलता हुआ, ठीक है। तो ये जो बर्निंग है वो किसके बारे में है, वो बर्निंग जो है वो समथिंग के बारे में है, जलता हुआ किसी चीज़ को, वस्तु को, वो समथिंग है। तो ये बर्निंग इसके बारे में बता रहा, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी देखो अगर इसमें आप देखो दो में आप कन्फ्यूज होंगे, फर्स्ट में और थर्ड में, मैं दोनों को थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। देखो अगर स्मेल यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो तो दो ऑब्जेक्ट लेगी, डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट कौन से लेती है, एक व्हाट का आंसर होता है और एक हुम का आंसर होता है, ठीक है। ना तो इसमें हुम का आंसर दिया हुआ, सिर्फ व्हाट का आंसर है समथिंग, ठीक है। मैं ये कहूँ कि आई स्मेल, तो आप एकदम से आएगा कि भी क्या क्या स्मेल कर रहा हो, तो समथिंग वो तो ठीक है कोई चीज़ है, हमें वो पता नहीं है क्या चीज़ है, तो इसलिए समथिंग लिख दिया, तो वो तो आंसर हो गया व्हाट का। लेकिन हुम का आंसर नहीं है यहाँ पर, हुम का आंसर हमेशा पर्सन ही रहेगा, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट भी गलत हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट है, बर्निंग जलता हुआ ये एडजेक्टिव है, ठीक है, जो मैंने बताया था पार्टिसिपल। ये किसके बारे में बता रहा है, ये समथिंग के बारे में, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वैसे, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा देखना है कि जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मर्सीलेसली होता है, निर्देयतापूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है एडजंक्ट पार्ट, तो ये गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, वी इलेक्टेड मलार द लीडर, वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड आपका वर्ब हो गई और मलार ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये द लीडर कौन है, लीडर भी मलार को ही इलेक्ट किया उन्होंने, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका आंसर हो जाता है बी। इसके बाद बाकी देख लेते हैं एक बार। सी बॉयल्स द मिल्क, तो सी सब्जेक्ट हो गया, बॉयल्स वर्ब और द मिल्क ऑब्जेक्ट। एवरी डे भी क्या है, एडजंक्ट ही है, क्योंकि ये टाइम बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। दे स्टैंड अंडर द ट्री, तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, स्टैंड यहाँ पर वर्ब है, लेकिन अंडर द ट्री एडजंक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मिस है, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों चाहिए आपको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सन, जो हुम का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्हाट का आंसर है, जो वस्तु। तो वो हमारा ऑप्शन देखने में अब आपको दिक्कत आएगी नहीं, वो दिख रहा है आपको। सी आंसर है ही गेव मी अ बुक, क्योंकि मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेव का आंसर, और ए बुक जो है ये भी गेव मी व्हाट का आंसर है, और मी यहाँ पर हुम का आंसर है। बाकी को देखे तो पेंटर्स पेंट पिक्चर, सब्जेक्ट वर्ब सिर्फ ऑब्जेक्ट है, आई ईट एप्पल्स सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एवरी डे एडजंक्ट आ जाता है। राजू स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे राजू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये भी एडजंक्ट हो गया, तो आंसर हो जाता है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए दोनों कॉलम को मैच करना है, ये हमें बताना है कि क्या। नाउ इट इज रेनिंग, नाउ जो है वो क्या है आपका, टाइम बता रहा है, तो ये एडजंक्ट है, इट से सेंटेंस शुरू करना है, सब्जेक्ट तो इट है आपका, तो नाउ एडजंक्ट है, फिर है सब्जेक्ट और फिर है वर्ब, यानी पहला जो है वो मैच कर रहा है सी के साथ, ठीक है, वो मैच कर रहा है सी के, सॉरी थर्ड के साथ, पहला जो है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन दो कट जाते हैं, पहला और चौथा ऑप्शन कट जाता है। अब दो ऑप्शन रह गए,
बी या सी ऑप्शन में से। अब देखिए, दिस मॉर्निंग आई मैट हिम, दिस मॉर्निंग यहाँ पर फिर टाइम है तो ये भी एडजेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाता है हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो जाता है, यानी आंसर हो जाएगा यहीं से क्लियर हो गया, आंसर है सी 3142। ठीक है, अब इसके बाद देखो, राधा सिंग्स से सॉन्ग, तो ये तो सीधा सा सिंपल था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये मैच हो जाएगा 4। सीता इज अ टीचर, तो सब्जेक्ट है, इज होगी वर्ब और ये टीचर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सीता के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा मैच हो गया इसके साथ। तो अब देखें तो 3, फिर इसके बाद 1, फिर 4 और फिर 2, ये आपके आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें मैच करना है, दे वर हैप्पी, तो वर बी स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब तो देखते ही अपने को दिमाग में कि यहाँ इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ए का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब देखिए तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है, बाकी तीन ऑप्शन में पहले नंबर पर फोर दिया हुआ है। सी सैंग स्वीटली, अब सी सैंग, सैंग का आंसर नहीं दिया कि उसने क्या गाया, गीत गाया या जो भी गाया, वो इसका आंसर नहीं है, वट या होम का आंसर नहीं है, होम का तो आंसर जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वट का चाहिए, वट का नहीं दिया हुआ है। स्वीटली कैसा गाया, वो एडजेंक्ट, एक एडवर्ब दे रखी है जो एक एडजेंक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और एडजेंक्ट, तो ये बी जो है इसका फर्स्ट हो जाता है, तो आंसर बी आपका ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3। आगे देख लेते हैं, आई गेव हिम ए बुक, तो आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब होगी, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इस सेकेंड। ही पेंटेड द कार ग्रीन, तो ही सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब और कार हो गया ऑब्जेक्ट। अब ग्रीन पेंट हुआ है तो पेंट किसको हुआ है, कार को, ये कार के बारे में बता रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ा है सेंटेंस, बहुत सेंटेंस पढ़े आपने ऐसे, ट्वेरी हिज हुमन, सिंपल है, ट्वेर यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसके बाद इज आपकी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, और फिर हुमन आपका कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, ध्यान रखें, और तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होगा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को हमें मैच करना है दोनों को। फर्स्ट में जैसे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट, यानी एडजंक्ट में तो टाइम, प्लेस, फ्रिक्वेंसी, मैनर ये बताए जाएं, तो वो एडजंक्ट है, एडवर्ब समझ लो बस। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड में फिर पूछा है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी में है सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सी में है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, पहले तो जो बहुत आसान हो वो देख लो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी इज अ टीचर, टीचर जो है सी के बारे में बता रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, तो सी का जो है वो जो 4 आएगा, इसका मतलब सी हमारा यहाँ पे है, तो ये होगा आंसर ये। ठीक है, 4 हो गया ना, सी थर्ड पोजीशन पे 4 है। ठीक है, इसके बाद बाकी फिर भी मैं आपको आंसर पूरा बता रहा हूँ, देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और एडजेंक्ट वो किस में है, तो यहाँ देखिएगा, द वेदर इज हॉट इन चेन्नई, ठीक है, द वेदर सब्जेक्ट है, इज वर्ब और हॉट कॉम्प्लीमेंट, और इन चेन्नई प्लेस बता दिया उसका वेदर का कहाँ, तो वो एडजेंक्ट हो गया। अब देखो, He gave prizes to the winner. She sent me a parcel. तो me क्या है, indirect object, और parcel है direct object. तो B का हो जाएगा first. और अब prizes जो है वो what का answer है, तो ये direct object है, और winners जो है वो
आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आंसर है होम का। ठीक है, देखो इनकी सीक्वेंस यही रहती है कि पहले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहती है इनकी सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस को चेंज करके लिखा जाता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखा जाएगा तो उसके बाद फिर अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लें तो टू या फोर का यूज़ होता है। एक प्रेपोजिशन लेते हैं टू या फोर, वो डिपेंड करती है कि आपकी वर्ब है क्या। ठीक है, जैसे ही गेव प्राइजेज टू द विनर, तो यहाँ गेव थी इसलिए टू लिया। ऐसे अगर मान लो ये होता कि ही बॉट मी, ठीक है, या ही बॉट ए साइकिल फॉर मी, ठीक है, तो फॉर यूज होता है फिर वहाँ पर बॉट के लिए। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा आपकी वर्ब के ऊपर। ये भी मैंने एक बार शायद वॉइस में आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी इस वीडियो को मैं ज़रूर, इसके ऊपर भी कभी न कभी आपको वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। बस आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें, ठीक है, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चलेंगी। आई टीच हिम इंग्लिश, अब ये देखिए आई टीच हिम इंग्लिश में आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई, और हिम और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आंसर हो जाता है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो द बॉयज सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, अब क्या खेल रहे हैं वो है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नाउ टाइम है ये उसका, तो ये एडजेंक्ट पार्ट में आ जाता है, तो ये हो गया आंसर सी, सॉरी बी, सेकंड आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाइड द सेंटेंस में शीला कुक्स वेरी वेल, तो शीला कुक्स वेरी वेल, शीला क्या है सब्जेक्ट, कुक्स है आपका वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रहा क्या कि क्या पकाया, किसके लिए पकाया, वो तो नहीं आंसर। तो यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कैसा पकाया वो दिया हुआ है, मैनर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है, तो ये एडजेंक्ट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो वो एडजेंक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब और एडजेंक्ट, आंसर हो जाएगा सी। ही इज स्लीपिंग, तो ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब और स्लीपिंग इज स्टेटिव वर्ब है, तो स्लीपिंग इसी के बारे में बता रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट ना पढ़ दें, ये है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम कंप्लीट रेस्ट, ठीक है, अब देखो एडवाइज किसको क्या, हिम को, तो ये डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या किया वो है कंप्लीट रेस्ट, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ये होम का आंसर है, ये व्हाट का आंसर है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि डी क्यों गलत है, सी तो सी वाला तो है ही, दिख ही रहा है आपको, जब ये कंप्लीट रेस्ट है ना, ये वर्ड ये इसके बारे में बता रहा हो या उसके बारे में बता रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इनके बारे में नहीं बता रहा, वास्तव में तो एडवाइज का व्हाट का आंसर है। ठीक है, इसको समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कॉम्प्लीमेंट। हेयर कम्स द ब्राइड, ये सेंटेंस ही कुछ ऐसा है जो शायद ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, हेयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, हेयर यहाँ पर एडजेंक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है उसका प्लेस, और कम्स है यहाँ पर वर्ब और ये है सब्जेक्ट, ये पैटर्न ही ऐसा है जिसमें बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, हेयर देर से शुरू होने वाले, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हम ऐसे यूज़ करते हैं, हेयर कम्स द बस या सॉरी ब्राइड, ठीक है, ब्राइड है यहाँ पर, तो ये है एडजेंक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। ऑल वुमेन लव ज्वेल्स एंड सिल्क साड़ीज, तो ऑल वुमेन लव, यहाँ देखिएगा जैसे ये हमारे सब्जेक्ट हो गया ऑल वुमेन, इसके बाद लव वर्ब हो गई, ज्वेल्स एंड सिल्क साड़ीज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये ना कर लें कि आप इसमें गलती ये कर दें कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, नहीं, ये पूरा ही जो है ये वर्ड का आंसर है, ठीक है,
जब होम का और आंसर मिलेगा तब वो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। अभी ये सिर्फ एक का आंसर है, बीच में एंड लिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक ही है पूरा, ठीक है। दो चीज़ें अलग अलग जरूर हैं लेकिन ऑब्जेक्ट है ये पूरा ही सेंटेंस का, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। द वेदर हैज़ टर्न्ड वेरी वार्म, तो वेदर जो है सब्जेक्ट हो गया और हैज़ टर्न्ड है वर्ब। लेकिन देखिए ये टर्न वर्ब जो होती है ये भी आपकी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए स्टेटिव वर्ब है। तो ये वार्म किसके बारे में है, वार्म है वेदर के बारे में, वेदरी वार्म, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसका। टर्न जो है इसके बाद ये देखो, द वेदर हैज़ टर्न, तो ना तो व्हाट का आंसर आता ना हुम का आंसर आता, आंसर आता है यही कि कैसा हुआ, तो मतलब हाउ का आंसर, ठीक है। तो जो इस तरीके से हम आंसर यूज़ करें समझें तो टर्न वैसे स्टेटिव वर्ब है, उस तरह से भी समझ सकते हैं। ये वेरी वार्म वेदर के बारे में बता रहा है। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देना, द वेदर इज़ वेरी वार्म, तो ये भी यही बात है, ठीक है, कि अब टर्न हो गया है लेकिन है तो इस टाइम पे वार्म ही, तो इस ये स्टेटिव वर्ब है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ही बनाएंगे, ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो द बॉयज़ सब्जेक्ट हुआ, आर प्लेइंग हो गई वर्ब। अब इसके बाद इन द ग्राउंड, ये उसका प्लेस है, प्लेस है तो ये एडजंक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सी 25, सी वाज अ फ्रेंडली पर्सन, सी सब्जेक्ट है, वाज वर्ब हो गया, और ये फ्रेंडली पर्सन स्टेटिव वर्ब है तो इसका मतलब सी के बारे में बता रहा है, तो ये है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेम्स हॉटी, तो इसमें आप देखिए सी सेम्स हॉटी, सी सब्जेक्ट है, सेम्स यहाँ पे वर्ब है, लेकिन वो कैसी दिखती है ये इसके ऊपर बताया, तो सेम्स यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है, जो स्टेट बताने वाली वर्ब होती है ना, किसी के बारे में बताएगी कोई चीज़, वो स्टेटिव वर्ब है, जैसे कि सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है, तो ब्यूटीफुल वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं है लुक्स का, ब्यूटीफुल सी के बारे में बता रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और लुक्स वहाँ पर क्या है, वो आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो ऐसे ही सेम्स, ये अपीयर्स और ये लुक्स, ये भी स्टेटिव वर्ब हैं, ठीक है, स्टेट बता रहे हैं किसी की, किसी सेम्स हॉटी, यानी जिनमें गर्व घमंड वाला थोड़ा उससे, तो ये हॉटी आपका ये कॉम्प्लीमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड, दे लेफ्ट द फ्लोर वाइब्रेट, दे सॉरी लेफ्ट नहीं सॉरी सॉरी फेल्ट है, दे फेल्ट द फ्लोर वाइब्रेट, ठीक है, तो सब दे तो हो गया सब्जेक्ट और फेल्ट हो गई वर्ब, ठीक है। अब ये फेल्ट, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया या किसको महसूस किया, वो उसका आंसर है फ्लोर, ठीक है, द फ्लोर, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दे फेल्ट द फ्लोर। अच्छा, फेल्ट के साथ वेरी गुड बैड ये आ जाएंगे वर्ड, तो वो तब फील जो वर्ब होती है, जैसे मैं ये कहूँ आई एम फीलिंग बैड, तो यहाँ जो फील है ना ये स्टेटिव वर्ब है, लेकिन ये कहें दे फेल्ट द फ्लोर, तो वो महसूस दे नहीं कर रहा है बल्कि वो फ्लोर को महसूस कर रहे हैं, वास्तव में महसूस करने का काम तो दे ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वाइब्रेट क्या हो रहा है, वो फ्लोर हो रहा है वाइब्रेट, दे वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, वाइब्रेट कौन हो रहा है, फ्लोर हो रहा है, तो वाइब्रेट किसके बारे में बता रहा है, वाइब्रेट बता रहा है आपका फ्लोर के बारे में, यानी ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान रखिए वाइब्रेट फेल्ट का आंसर नहीं है, वाइब्रेट क्या चीज़ कर रही है, वो फ्लोर कर रही है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, टेल मी योर नेम, अब देखो टेल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है और योर नेम ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो टेल
डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे मी भी आप ले रहे हो, ये भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यूअर नेम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर है वो यूअर नेम है, और हुम का आंसर वी मी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट। आई हैव, अरे क्या हो रहा है इसको, अब आई हैव फिनिश्ड राइटिंग अ बुक। तो यहाँ देखिए, आई हैव फिनिश्ड राइटिंग अ बुक, आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया बाई चांस, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो इसमें ये सब्जेक्ट है आई, और हैव फिनिश्ड यहाँ पे वर्ब है, और राइटिंग अ बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पहले। मोस्ट ऑफ द वुमेन रीड नॉवल्स। तो पहले ये देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अकेला मोस्ट नाग लेके मिस पूरे के लेंगे। मोस्ट ऑफ द वुमेन रीड यहाँ पे वर्ब, और नॉवल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन वर्ड को अलग अलग कर दूँ ना, मोस्ट ऑफ द वुमेन, फिर तो मोस्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर तो ऑफ बनेगा आपकी प्रीपोजिशन, द बनेगा आर्टिकल जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव, वुमेन बनेगा आपका नाउन। ऐसे तो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में करें तो उस हिसाब से तो वुमेन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पूरा सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। रीड नॉवल्स का सब्जेक्ट कौन है, मोस्ट ऑफ द वुमेन, अकेला मोस्ट यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर जो है नॉवल्स पढ़ते हैं, लेकिन कौन ज़्यादातर, महिलाएँ ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, और आप कमेंट में रिव्यू दे सकते हैं, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस बैच ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे मेरी बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर उस बैच को ज्वाइन करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।